जब भी आप रीडिंग करो हिंदी की रीडिंग उसे छोड़ दो, वो डेली रहेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब भी आप हिंदी की रीडिंग करो तो आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला कि जब हिंदी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले एक बार टीचर आपको पढ़ा दे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाए, कोई भी टीचर पढ़ाए, सबसे पहले टीचर एक बार खुद आपको पढ़ाए, समझ आ गया। दूसरी बात, उसके बाद आपको खड़े होकर पढ़ना है, वन बाय वन सबको पढ़ना है। ऐसा ना हो क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चों ने पढ़ लिया है, 5 बच्चों ने नहीं पढ़ा है। 10 बच्चे हैं क्लास में, चाहे चैप्टर 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा चैप्टर हर बच्चा पढ़े उसको, बता के समझो। और जब पढ़े आप तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, ठीक। जब भी बुक पढ़ो, आप रीडिंग करो, बुक की रीडिंग करो, पहले टीचर को पढ़ाना है, टीचर पढ़ाने के बाद आपको खुद को पढ़ना है। आप जब खुद पढ़ेंगे उसी टाइम आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, समझे। उस पेंसिल का यूज क्या करना है, जैसे मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि जो वर्ड्स आपसे ना भूले, जो आपको हार्ड लगे या जिनका उच्चारण आप नहीं कर सकते, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, घर पे भी और स्कूल में भी। जब भी रीडिंग करो, कभी भी करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की करो, पहले टीचर पढ़ाए, फिर आप खुद पढ़े, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। और पेंसिल का यूज यही करना है कि जो वर्ड्स हार्ड हो, जो आपसे ना पढ़े जाए, उन्हें अंडरलाइन करो, समझ आ गई बात, ठीक है। अब आप में से मीनाक्षी आप आ जाओ बेटा, ये चैप्टर आपको पढ़ना है और पेंसिल आपके हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है, आई जल्दी पढ़ के दिखाओ कैसे पढ़ोगे। उच्चारण सही होना चाहिए, ध्यान रखना उच्चारण सही रहे, बिल्कुल बहुत अच्छा, साफ सुथरा बोलना है, ना ज्यादा स्लो बोलना है, ना ही ज्यादा फास्ट बोलना है, समझ में आ गई बात, ठीक है, आइए एक बार पढ़ के दिखाओ बेटा। नर तथा नारी समाज के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। अब जैसे आपसे जो वर्ड ना बोला उस पर गलत करो, जो नहीं बोला है उस पर गलत करो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास में कई बार ऐसा दिखाई देता है। इतिहास में कई बार ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा साइड बोल दो, ठीक, बस एक बात और विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपके अंदर झिझक रहेगी, ना तो आप सच का साथ दे सकते हो, सच को बोल नहीं सकते, और ना ही झूठ का या गलत का विरोध कर सकते हो, जब तक आपके अंदर झिझक रहेगी, समझ रहे बात को, दोबारा फिर रिपीट करो, समझ लो उस बात। जैसे बेटी के अंदर झिझक है, अगर इतनी झिझक आपके अंदर रहेगी तो जो सच बात है, जो सही है, उसे भी आप कह नहीं पाओगे कभी भी, और जो गलत है या आपके साथ गलत हो या किस कहीं पे गलत हो रहा है, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके अंदर झिझक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अब कल से एक काम करना है, जितने भी बच्चे हैं जिनमें झिझक ज्यादा है, सबसे पहले मीनाक्षी आप प्रेयर में चाहे कुछ भी बोलो, आपको डेली माइक पे बोलना है, इस तरह से इस माइक पे बोलना, चाहे कुछ भी बोलो, बोलना जरूर है, आपके अंदर झिझक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये मैटर बिल्कुल अलग है कि आप कमजोर हो पढ़ाई में या होशियार हो, लेकिन कम से कम झूठ का या गलत का आप विरोध कर सको और सच का साथ दे सको, इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए, वरना दूसरे आपका फायदा उठाएंगे हमेशा, वो कोई भी हो सकता है, ए टू जेड लाइफ में कोई भी हो सकता है, लाइफ में वो आपका फायदा उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका फायदा उठाएंगे हमेशा, बस बंद नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। वो तो ठीक है, उस पर ध्यान दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ए टू जेड कोई भी हो सकता है जो आपको फायदा उठाएगा। और जब आप एक सिंगल वर्ड बोलते हो, पहला वर्ड जब स्टार्ट ही करते हो, उसी से पता चल जाता है कि आपके अंदर झिझक है या नहीं है। बाहर जाकर आप कभी जाओगे बाहर, तो जैसे कोई वर्ड बोलोगे, किसी से रास्ता भी पूछोगे, रास्ता पूछने लगो, कोई एड्रेस पूछने लगो, तो वो इतने में दिख जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा झिझक है, इसको आराम से ठगा जा सकता है, आसानी से ठगा जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग गाँव में होते हैं, शहरों में होते हैं, जिनके अंदर झिझक होती है। और उसका मेन कारण क्या है कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो
उस टाइम किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बच्चे के अंदर झिझक है, इसको लाइफ में आगे जाके बहुत ही परेशानी आएगी, बहुत ही ज्यादा झिझक रहेगी और आसानी से ठगा जा सकता है। जब कोई बच्चा पहले से ही झिझक महसूस करता है, उसको झिझक नहीं निकलती है, तो लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसे आसानी से ठगा जा सकता है, क्योंकि वो सच बात कह नहीं पाएगा, उसके अंदर क्या कमी है कहने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से दूध खरीदते हैं गाँव में और उस दूध में पानी मिलाता है, तो जो जिसे पहले से आदत ही नहीं कभी बोलने की, वो अच्छा बहुत आराम से बोल नहीं सकता कि भाई मेरे दूध में पानी मत मिलाया करो, या तो चुपचाप हटा लेगा या फिर क्या करेगा, बस मन में कह के रह जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो झिझक सबसे पहले खत्म होनी चाहिए और इतने स्पष्ट आप रहने चाहिए कि झूठ का विरोध कर सको, गलत का विरोध कर सको और सच का साथ दे सको। आप कह सको सबके बीच में कि ये बात सच है, ये सही है, मैं इसमें साथ दूंगा। आप कह सको कि ये बात गलत है, ये झूठ है, मैं इसके विरोध में हूं, या तो आप इसे बदले वरना मैं इस चीज का विरोध करूंगा। आप कह सको कि गलत काम कर रहा है, या तो आप इस चीज को बदलो, सही करो, वरना मैं आपका विरोध करूंगा, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। आगे बात समझ में? तो कल से ध्यान रखना, प्रेयर में सबसे पहले आप माइक पे स्पीकिंग करो, कुछ ही बोलो, चाहे ए टू जेड कुछ ही बोल दो, किसी भी लैंग्वेज बोल दो, हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, लेकिन बोलना जरूर, ठीक है। झिझक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, दूसरे बहुत जल्दी फायदा उठा लेंगे आपका, और जब आपका फायदा उठा जाएगा तो आपका नुकसान होगा। और पेरेंट्स आपको स्कूलों में इसलिए नहीं भेज रहे कि सिर्फ किताबी ज्ञान लो, किताब पढ़ो, और वैसे कोई भी आराम से आपको ठग सकता है, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये गलत है, समझ गए। अब ये चैप्टर पढ़ो अच्छे से, जो अंडरलाइन किए थे उनको सुधारो दोबारा, जितनी गलतियां थी